सुने तो उस पर आप गौर करें और अमल करें, तभी मेरा बोलना कहा जाएगा और आपका सुनना कहा जाएगा। तो सुनने और बोलने में के दरमियान में जितनी बातें आज की जा रही हैं, वो किस उनवान पर इंतजार करता है, किस पर मंजूर कर, किस पर रुका है, निकाह और शादी और किसी की बेटी और किसी की बीवी। कुरान में क्या कहा गया है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां, वो बीवी किसी की पहले बेटी होगी, कौन जो निकाह में आएगी। तो आदमी खाकी बनाकर इम्तिहा लेता है, तू आदमी खाकी बनाकर इम्तिहा लेता है, तू असल दए आदम करो ये हुक्म भी देता है। उसी आदमी खाकी से आदम से आदम के वजूद को आना, वजूद में आना, वजूद को पाना और उसकी बाएं पसली से मां हवा यानी निस्वानी किरदार जिसे हम मां कहते हैं, मां वो पहले किसी की शरीके हयात है, क्या है, किसी की बीवी है। और वो पहली मां जो इस रूए जमीन पर इस पूरी कायनात पे आती है तो बगैर किसी अलकाब आदाब के वो सीधे क्या होती है, बीवी। अब जरा गौर करें, जिस्म इंसान का किरदार में अफ़आल में एमाल में और उसी के वजूद से निस्वानी किरदार के वजूद का अमल में आना। अब जरा गौर करें कि जो आपके जिंदगी के हयात में शामिल होने के लिए शरीक होने के लिए अजदवादी जिंदगी की इब्तदा का दामनगीर हो और दोनों अजनबी हो, दोनों की सूरतों में अजनबियत हो, पहचान न हो और फिर कुर्ब हासिल हो जाए तो लज्जत की चाशनी जिसे हम वसल की रात कहते हैं, तब वो उस हद को पार करती है तो बीवी, उस हद को पार करती है तो शरीके हयात। कितनी तन्हाई होती है, कितनी तारीकी होती है और कितने लज्जत का एहसास होता है तो दो वजूद से एक तीसरे वजूद का, एक कतरे से मेरा जिस्म बनाता है वो और शिक्म मादर की हिफाजत में छिपाता है वो। अब दोनों के वजूद में, दोनों के वजूद के हमउंसियत में अगर इश्क की इंतहा न हो तो सूरत नामुकम्मल है। मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बोलता, मैं वही बोलता है, मेरे बंद लब को वही खोलता है, मेरे चाहने से नहीं होता कुछ भी, वही चाहता है तो जब बोलता है। वाह वाह सुभान अल्लाह।